हॉन्टेड विलेज, एक ऐसा विलेज जहाँ पे एक तांत्रिक बाबा रहता है, कुछ वो काला जादू करता है और उसके काले जादू के वजह से वो कुछ भी कर सकता है, मतलब वो हवा में भी उड़ सकता है और वो कुछ भी कर सकता है, वो मतलब कुछ भी कर सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि पिछले वीडियो में मेरा और उसका सामना हुआ था, लेकिन कैसे भी करके मैं उससे बच गया, पर एंड द एंड उसने मेरे पापा को मार दिया। तो इसलिए आज हम लोग उसकी फुल इन्फॉर्मेशन निकालने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है इस सीरीज का तो फटाफट से जाके देख लो क्या कर रहे हो। अगर आपने वो वाला एपिसोड नहीं देखा है तो आपको ये वाला एपिसोड देखने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा और बिल्कुल कुछ समझ में भी नहीं आएगा, तो फटाफट से जाके अभी के अभी देख लो, फिर आके ये वाला वीडियो कंटिन्यू करो। तो अगर आपको इस सीरीज का थर्ड पार्ट भी चाहिए तो इस वीडियो पे 20 लाइक करवा दो। जैसे इधर से आप 20 लाइक करवाओगे तो उधर से वीडियो आएगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ को। अब मेरी मदद सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, जो है मेरा दोस्त। तो अभी तो मैं उसके घर जा नहीं सकता क्योंकि अभी रात हो रही है, और अगर मैं घर से बाहर निकला तो तांत्रिक बाबा फिर आ जाएगा मेरे को परेशान करने के लिए। तो उससे अच्छा मैं अभी के लिए सो ही जाता हूँ फटाफट से। सुबह तो हो चुकी है, लेकिन अगर मैं इस आयरन के आर्मर और आयरन के टूल्स में जाऊँगा तो मेरे को फिर से मिल गया तो फिर से मेरे को मार देगा वो। तो इससे अच्छा मैं अपना बैकअप आर्मर निकाल लेता हूँ और फटाफट से इसको ही पहन लेता हूँ। मैं फटाफट से चलता हूँ, उसका घर थोड़ा दूर है, कहीं जाते जाते मेरे को रात हो गई तो, इसलिए फटाफट से चलता हूँ, कहीं रात ना हो जाए, इसलिए फटाफट से मेरे को चलना पड़ेगा वहाँ पे और उससे थोड़ी मदद लेनी पड़ेगी। अब वही मेरी मदद कर सकता है। मेरे को चलते चलते बहुत देर हो चुका है, लेकिन अभी तक उसका घर नहीं आया, लेकिन आने वाला है। लेकिन अभी ये क्या हो गया, अभी रात होने वाला है। रात हुआ मतलब वो कभी भी आ सकता है। बहुत रात हो चुकी है, एक सेकेंड। ओरे भागो, ओरे तेरी की, खत्म आज खत्म। कल तो पिछली बार तो बच गया था, आज पक्का खत्म। वैसे ये मेरे को मार पाएगा क्या? आज पक्का खत्म मेरा गेम। इससे जरा दो दो हाथ करके देखते हैं क्या होता है। ओरे का खतरनाक नॉकबैक दे रहा है, फटाफट से मेरे को भागना पड़ेगा। ओरे नहीं बच गया। ओ नो, बच गया। फटाफट से ऊपर चल। अगर इसने मेरे को आज मार दिया ना तो इसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अरे ये कर क्या रहा है यार, ये मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है, मेरे पीछे क्यों लगा है यार, ये मेरे पीछे ही क्यों लगा है। इस वर्ल्ड में और भी कोई तो है ना, ये मेरे पीछे ही क्यों लगना है इसको। क्या कर रहा है अभी, ये क्या कर रहा है, किधर गया? अरे ये उड़ कैसे रहा है। अरे मेरे को धक्का दे दिया। ओह माय गॉड, फटाफट से यहाँ से भागो, ये मेरे को आज नहीं छोड़ेगा, फटाफट से यहाँ से भागना पड़ेगा। लगता है मैंने इसको चकमा दे दिया है, यहाँ पीछे दिख नहीं रहा है। फटाफट से मैं भाग लेता हूँ यहाँ से, मेरे दोस्त का घर यहीं पे आसपास ही है, वह उसको वहाँ पर ही नहीं आ सकता। ओके, तो फाइनली मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। अब मेरा दोस्त ही कुछ कर सकता है, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मैंने तो हक दिया है। बात वही है, मैंने हक दिया है। फटाफट से, इसका घर तो बहुत आलीशान है, मैं तो अभी विलेज में ही रहता हूँ, एकदम गरीब सा। अरे मेरे दोस्त, मेरी मदद कर ले प्लीज़, मेरी मदद कर प्लीज़। हाँ, सबसे पहले ऊपर चल, आ जा। हाँ ठीक है, आता हूँ। ऊपर आ, आता हूँ, आता आजा, जल्दी आजा। आता हूँ फटाक से, आजा। हाँ अब बोल, बात क्या है? अरे बात ये है ना कि एक तांत्रिक बाबा है जो कुछ काले जादू करता है। देखो मेरी पूरी कहानी बतानी पड़ेगी, फटाफट से देखो मैं पूरी कहानी बताता हूँ। A few moments later. पहली बात, वो तांत्रिक बाबा नहीं है, अब वो एक ब्लड मॉन्स्टर है, और अब उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और उसको मारना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और अगर तेरे को उसको मारना है तो उसको एक कीमती चीज स्पेशल फ्लिंट एंड स्टील से जलानी पड़ेगी, और वो फ्लिंट एंड स्टील उसके घर पे मिलेगी, और अगर हम लोग उसके घर पे गए तो वो हमको मार देगा, हमारी जान चली जाएगी। फिर भी मैं रेडी हूँ,
कहाँ है वो फ्लिंट एंड स्टील, मेरे को फटाफट से वहाँ तक लेके चल। अगर तेरे को उसको मारने जाना है तो ये डायमंड के आर्मर से कुछ नहीं होगा। अरे तेरी की, अब वो ब्लड मॉन्स्टर का गेम खलास, अब वो ब्लड मॉन्स्टर का गेम ओवर।